सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जब जहालत का दौर दौरा हो और दिल में बुग्ज भरा हो और उलमा से चिढ़ हो और कोई समझाए तो बंदा समझे ना, बल्कि समझाने वाले पर उल्टा टूट पड़े, और साथ एक ऐसे लोगों को भी जमा करे जिनकी जहन भी फिर ऐसे ही बनाए, तो फिर तो बेवकूफ़ी वाले बातें होती हैं, ना समझी वाली बातें होती हैं। हालांकि कुरान कहता है कि जब तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, और कोई इल्म वालों से बदजन करे तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो लोगों को जहालत के करीब और इल्म से दूर कर रहा है। अच्छा, इल्म ना हो तो फिर इंसान ठोकर खाता है। आइए इसी तरह का एक वाकया बुखारी शरीफ से सुनाता हूँ। इसमें मौला अली का जिक्र है, और जो नासमझी में होते हैं वो फिर ठोकर खाते हैं। शुक्र है इस शख्स ने एक सहाबी रसूल से इस बात को कंफर्म कर लिया, वरना पता नहीं कहां कहां तक इस बात को पहुंचाता और अपनी कम फहमी की वजह से इस बात को गलत अंदाज में पेश करता। तो आइए बुखारी शरीफ की इस रिवायत को देखते हैं। बुखारी शरीफ का मुताला फरमाएं तो आपको ये रिवायत मिल जाएगी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताबुल मनाकिब, बाब मनाकिब अली। ये इस ज़मन में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मनाकिब के ज़मन में ये रिवायत आती है कि एक शख्स अन्ना रजुलन जा इला सहल इब्न साद, हज़रत सहल इब्न साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और बोला कि फ़काला हाजा फुलान लि अमीरुल मदीना यदउ अलियन, अमीर मदीना तो मिंबर पर खड़े होके हजरत अली करमल्लाहु अजू की शान में अजीबो गरीब बातें करता है। ओ यदु अली इंदल मिंबर, मिंबर के पास खड़े होकर, मिंबर पर खड़े होकर। तो काला फयकुलु मादा, हजरत सहल इब्न साद ने कहा भाई कहता क्या है, आखिर हजरत अली की शान में जो गुस्ताखी करता है तो कहता क्या है। इसलिए इससे भी एक बात समझ में आती है कि कोई अगर आपके पास आकर कोई बात करे ना कि फला शख्स तो यार ऐसा है वैसा है, तो हमें साथ पूछ लेना चाहिए भाई कैसा है, कैसा है। हो सकता है वो जो कैसा है और ऐसा है और वैसा है कह रहा है वो कोई बात ही ना हो, उसकी मुगालता हो, गलत फहमी हो। तो कहा भाई कहता क्या है, वो कहते हैं अजीब आदमी है, यकूलु लहू अबू तुराब, उन्हें अबू तुराब कह के बुलाता है, यानी अबू तुराब का यानी लफ्जी मारा होता है मिट्टी का बाप। तो हजरत साल इब्ने साद ने जब उसके मुंह से बात सुनी ना, तो बुखारी में आता है फदहक, फदहिका, वो हंस पड़े और कह के अल्लाह के बंदे वकाला वल्लाही खुदा की कसम मा सम्माहू इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मेरा भाई ये तो खुद हुजूर ने मौला अली को पुकारा है, हुजूर ने आपको ये नाम दिया है। और एक और बात बता दूं, वकाना लहू इस्मु अहब्बु इलैहि मिन, और आपके नजदीक इनका इससे प्यारा नाम कोई ना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अब यही बात होती है ना कि इंसान अगर जहन में बुग्ज भरा हो, बात समझ में ना आती हो, ना बुग्ज ना भी भरा हो तो ना समझ हो, इल्म की कमी हो, तो उसको कोई भी बहका देता है, वो बिलक जाता है। तो एक इल्मी बात बुखारी शरीफ में सामने आई, एक तरीके के अगर देखा जाए तो इसमें हम सब के लिए बहुत सीखने को भी है कि एक सहाबी का रवैया है और एक गैर सहाबी का रवैया है, और सहाबी ने फिर उसको बात समझाई कि देखो ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैं पर्सनली तो रिवायात को फिर मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ, फिर उसमें अदब के जाविये होते हैं, उसमें इल्म के जाविये होते हैं, उसमें फिर और बहुत सारे जाविये निकलते हैं जो इंसान अगर रिवायत को स्टडी करे तो फिर उसके जहन खुलता है।
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں, ایک انگلش میں ایک اردو میں, انہیں فالو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.